हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्विच स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और आज हम लोग उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं और यहां पे मल्टीपल एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का देखेंगे। तो आप पहले, मैं इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले बता दूं, किसी तरह से यदि आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें और आप मेरे ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का, मतलब स्विच के इनसाइड स्विच स्टेटमेंट। जैसा कि हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस किए थे, उसी तरह से नेस्टेड स्विच के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी से बेस्ट एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ पे हमने एक्स इच इंटीजर वेरिएबल को लिया है जिसका वैल्यू असाइन किया 4, और एक्स का इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या है, 4 है, एंड स्विच का एक्सप्रेशन क्या है, एक्स, और एक्स इज इक्वल 4। तो यहाँ पर हमने केस 1 एंड केस 2, मतलब केस 1 में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा, ब्रेक भी नहीं दिया, उसके बाद तुरंत हम लोग आता है केस 2 में, एंड केस 2 में हम लोग देख पा रहे हैं एक स्टेटमेंट है प्रिंट 1 और 2, उसके बाद है ब्रेक। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर केस 3 केस 4 में ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया है, एंड फिर क्या है केस 5 एंड सो ऑन। तो चलते हैं हम लोग इस एग्जांपल को देखें। तो एक्स का वैल्यू 4 है तो मैचिंग स्टार्ट हुआ, केस 1 को मैच करेगा क्या, नहीं करेगा, केस 2 को मैच नहीं करेगा, केस 3 को मैच नहीं करेगा, केस 4 को मैच करेगा। बस यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि केस 4 में एक भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको बताया गया था यहाँ पे ब्रेक भी नहीं है, यदि ब्रेक होता तो ये सीधे बाहर आता, बिना किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए ये बाहर आता, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट नहीं है केस 4 में। लेकिन यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट केस को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो केस 4 के बाद हम लोग केस 5 को भी एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि ब्रेक कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लैश 3, 4 और 5, तो दिस विल बी प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन 3, 4 और 5। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट है, उसके बाद सीधे स्विच के ब्लॉक से बाहर जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 3, 4 और 5। बट यहाँ पे केस 4 के बाद यदि ब्रेक होता तो कुछ भी आउटपुट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, और ब्रेक होता तो सीधे बाहर आता। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एग्जांपल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नेस्टेड स्विच से लिया गया है। तो अब हम चलते हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, जो एग्जांपल हमने लिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है नेस्टेड का मतलब क्या होता है, स्विच के अंदर स्विच, जैसे इफ स्टेटमेंट के इनसाइड मल्टीपल इफ स्टेटमेंट होते थे, उसी तरह से एक स्विच स्टेटमेंट के इनसाइड मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट हो सकते हैं। यहां हमने लिया है कि ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। तो आपको अभी तक मैंने जो बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं किसी को इंटीजर होगा, कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया है पर इसको फिक्स कर दिया, ये वेरिएबल नहीं, मतलब एक फिक्स होनी चाहिए। तो प्लस इज एन ऑपरेटर असाइन टू ओपी, तो ओपी इज ए कैरेक्टर वेरिएबल। तो अब हम लोग एक और वेरिएबल यहाँ पे पी को लिया है, पी में हमने 2 असाइन किया है। तो चलते हैं हम लोग आगे, तो स्विच के इनसाइड में एक्सप्रेशन क्या है, ओपी, इसका मतलब क्या है, प्लस ऑपरेटर प्लस को हमने यहाँ पे पास किया, तो ये किस केस को मैच करेगा, तो केस माइनस प्रिंट क्या करेगा, माइनस ऑपरेटर पर, इसमें मैच करेगा क्या, ये इसमें मैच नहीं करेगा। तो आगे बढ़ेगा, क्या ये इसको मैच करेगा, यस इसको मैच करेगा, केस प्लस, तो प्रिंट सम ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सम ऑपरेटर डिस्प्ले किया जाएगा, राइट, और प्रिंट होगा सम ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद और केस प्लस केस में एक और स्विच केस दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या पास कर रहे हैं एक्सप्रेशन पी, तो पी का वैल्यू क्या है 2, तो केस 1, तो केस 1 में मैच नहीं करेगा, केस 2 या तो पी का वैल्यू 2 है स्विच को मैच करेगा। यहाँ पे क्या है, यू हैव सिलेक्टेड सम ऑपरेटर, तो ये भी प्रिंट होगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सम ऑपरेटर एज वेल एज यू हैव सिलेक्टेड सम ऑपरेटर। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिया गया। तो डिफॉल्ट आपको मैंने बताया था कि ऑप्शनल होता है, ब्रेक भी क्या होता है, ऑप्शनल हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर केस में आपको ब्रेक देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑप्शनल होता है। आपको हमने यहाँ भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था कि ब्रेक बहुत सारे केसेस में नहीं दिए गए। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ, इस स्विच से बाहर आएगा, राइट, इस स्विच से बाहर आने के बाद अब हम लोग देख पा रहे हैं
कि इस केस का अभी ब्रेक नहीं दिया गया, ब्रेक नहीं दिया गया इसका मतलब क्या हुआ, इस स्विच से बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे, डिफॉल्ट के इनसाइड में जो भी स्टेटमेंट लिखा है आपने उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया। यदि यहाँ पे ब्रेक होता, अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि इनर स्विच जो है, इनर स्विच के इनसाइड में यहाँ पे ब्रेक है, इसको इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर, इस केस को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक है, इसका मतलब है कि इस स्विच से बाहर आया, तो बाहर आने पर नेक्स्ट लाइन में क्या है, डिफॉल्ट है। यदि नेक्स्ट लाइन में ब्रेक होता तो इस स्विच से भी बाहर आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेक नहीं है, डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट है उसको भी एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा नो ऑपरेटर्स एंड देन ब्रेक, ब्रेक अब हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस स्विच से बाहर आया एंड फाइनली मेन से बाहर आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, सम ऑपरेटर, यू हैव सिलेक्टेड सम ऑपरेटर एंड फाइनली नो ऑपरेटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि नेस्टेड स्विच का यदि क्वेश्चन आएगा तो आप इजी उसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद भी आपको यदि डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से बिल्कुल भी नहीं सोचे, और ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को ऐसे और सारे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन पे क्लिक करें, so that you will get the notification for all the videos. Thank you so much.